और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहाड़ समाचार की। नैनीताल के आसपास के जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है। पाइन से भूमियाधार नारायण नगर के जंगल में ये आग लगी है। तो फिलहाल एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल के आसपास के जंगलों में ये आग धधक रही है और आग बुझाने के लिए अब एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाइंस भूमियाधार नारायण नगर के जंगल में ये आग लगी है जो लगातार अपना दायरा बढ़ाती हुई। लेकिन अब एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और MI-17 हेलीकॉप्टर के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड पर भी दमकल विभाग के तमाम कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ वायुसेना भी अब आग बुझाने के प्रयास में लग गई। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल में आग किस तरह से बेकाबू हुई जा रही है। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच चुकी है। अभी तक लाखों करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये जंगल धधक रहे हैं। आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड के जंगल इस वक्त धधक रहे हैं। लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिसके बाद वायुसेना ने भी कई जगहों पर मोर्चा संभाल रखा है। नैनीताल में वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पहली तस्वीर है जहां पर दमकल विभाग के तमाम कर्मचारी जो आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है उन पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो इस वक्त उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। लगातार इस सीजन में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हर साल ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिलती है। हालांकि वन विभाग की तरफ से तमाम इंतजाम, तमाम सारे दावे भी किए जाते हैं आग पर काबू पाने के लिए पहले से इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी है कई इलाकों में, दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि वायुसेना को भी कई इलाकों में मोर्चा संभालना पड़ा है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नैनीताल से संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, अगर बात करें जंगलों में आग लगने की घटनाओं की, तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो जंगल में आग का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से अब वन विभाग की तरफ से प्लान बनाया गया कि इस तरह की घटनाएं अब इस सीजन में चूंकि लगातार बढ़ती हैं, आगे और भी घटनाएं होंगी, किस तरह से काबू पाया जा रहा है आग पर, और आगे इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उसको क्या कुछ प्लानिंग बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नैनीताल के आसपास के जो जंगल है वो दो दिन से लगातार जल रहे थे और जो वन अग्नि है उससे जो वन संपदा है उसे काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जो रिहायशी क्षेत्र है उनको भी खतरा पैदा हो गया था। फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो स्थिति बनी हुई है वन अग्नि की वो थोड़ी थोड़ी अभी कंट्रोल में है। इसके साथ ही सवेरे से जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भीमताल झील से पानी लेकर उड़ान भर रहा था और लड़ियाकांटा क्षेत्र और पाइन का जो क्षेत्र है वहां वो पानी की बौछारें कर रहा था, जिससे देखिए थोड़ी बहुत राहत जो है वो लोगों को भी मिली है और जो कर्मचारी काम क्षेत्र में कर रहे हैं आग बुझाने का उनको भी राहत मिली है। फिलहाल देखिए अगर वन विभाग की अगर हम बात करें तो लड़ियाकांटा क्षेत्र और पाइन क्षेत्र जो अति संवेदनशील इस वक्त माना जा रहा है वहां लगभग 30 कर्मचारी जो है वन विभाग ने अपने तैनात किए हैं जो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ एक मैपिंग अप जो इनकी एक्सरसाइज है फॉरेस्ट की वो भी चलाई जा रही है, जिसके तहत अगर जिस क्षेत्र में पहले आग लग चुकी है अगर वहां फिर आग बढ़ती है या फिर उसी के आसपास कहीं धुआं होता है तो उसे तुरंत काबू करने का कार्य किया जाएगा। और देखिए फायर के फॉरेस्ट के साथ फायर की टीमें भी अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉय की गई है जहां अभी वन अग्नि चल रही है। जी बिल्कुल समीर, लगातार देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है जिस तरह से आग लगने की घटनाएं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है।